हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन होम एंड रेसिपीज विद नीना। मैं हूं नीना और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं यूपी की फेमस उड़द दाल खस्ता कचौड़ी रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए देखें। सबसे पहले मैं डो तैयार करने वाली हूं, तो उसके लिए मैंने यहां पर ले लिया है मैदा। जितना आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से मैदा ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 कटोरी मैदा ले रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार, पेट का हाजमा सही बना रहे तो इसके लिए मैं ले रही हूँ लगभग यहाँ पर 1/2 चम्मच अजवाइन। यहाँ मैंने ले लिया है देसी घी 1 कटोरी। इसकी जगह पर हम डालडा घी भी ले सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी कचौड़ी खस्ता कुरकुरी बने ना, तो आप इसे फ्राई भी घी में ही करें और मोइन भी घी का ही लगाएं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने घी को हल्का सा पिघाल दिया है। अब इसे मैं डाल देती हूँ। अब हल्के हल्के हाथों से इस मोइन को मैदे में मिक्स कर लेना है। जितना बढ़िया तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे ना, उतना ही कचौड़ी खस्ता और खिल के आएगी और फूली फूली बनेगी। ये देखिए, इसकी बाइंडिंग भी बहुत ही बढ़िया बन रही है, तो इसी तरीके से बाइंडिंग बननी चाहिए। अब इसमें हल्का हल्का सा पानी लेते हुए इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करना है। पानी एक साथ सारा नहीं लेना है, जितना ज़रूरत है उसी हिसाब से पानी लेना है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा पानी लेते हुए इस डो को तैयार कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से नीट करना है। जितना बढ़िया तरीके से हम इसे नीट करेंगे ना, उतनी ही कचौड़ी हमारी अच्छी बढ़िया बन के आएगी, टूटेगी नहीं। तो लगभग 3 से 4 मिनट तक इस डो को मैंने नीट किया है और ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसे मैं कवर करके एक साइड रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए। तब तक स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैंने ले ली है धुली उड़द दाल की 1/2 कटोरी, जिसे मैंने पानी में 6 घंटे के लिए भिगो लिया था। भीगने के बाद अब इसे मैंने 2 से 3 बार पानी से धो लिया है और इसी से मैं स्टफिंग तैयार करूँगी। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है लगभग 2 चम्मच। तेल को गर्म होने देना है और इंग्रेडिएंट्स कितने कितने लिए हैं सारी लिस्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। तो ये देखिए, तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ साबुत जीरा लगभग 1/2 चम्मच। जीरा जैसे ही हल्का चटकने लगेगा तो उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चुटकी भर हींग। तो ये 2 चुटकी हींग लिया है। इससे एक तो पेट का हाजमा भी बना रहता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। यहाँ पर मैंने ये साबुत सौंफ है, इसे हल्का सा क्रश कर लिया है और साथ में ही साबुत ये काली मिर्च है, इसे भी क्रश कर लिया है। ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा ही रखना है इनको दोनों को। अब ये देखिए, इन्हें मैंने मिक्स कर लिया है सारे मसालों को। अब मैंने ले लिया है यहाँ पर लगभग 4 चम्मच सत्तू, क्योंकि ये यूपी स्टाइल कचौड़ी है। अगर सत्तू नहीं है तो इसकी जगह पर हम बेसन भी मिला सकते हैं। बेसन को हल्का सा भून लेना है। सत्तू चने का बनता है और जो बेसन होता है वो चने की दाल का बनता है। तो जब हम बेसन को भून लेते हैं ना, तो लगभग सत्तू जैसा ही टेस्ट आता है। तो ये देखिए, इन्हें मैंने मसालों में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ लगभग 1 चम्मच देसी घी। देसी घी मिलाने से ना इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप भी जब इस तरीके की स्टफिंग बनाएं ना, तो उसमें 1 चम्मच ज़रूर से देसी घी मिला करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ये देखिए, ये घी पिघल गया है और मसाले में अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ धुली उड़द दाल। ये देखिए, ये सोख की हुई, तो ये लगभग 1 कटोरी है। और साथ में मैंने ले लिया है हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच और साथ में लाल मिर्च पाउडर, ये धनिया पाउडर है, चाट मसाला पाउडर, किचन किंग मसाला पाउडर और साथ में ये कसूरी मेथी है, इसे मैं हल्का सा क्रश कर लूँगी। क्रश करके मैंने इसे डाल दिया है और नमक स्वाद अनुसार। अब इन सबको आपस में मसालों के बीच में मिक्स कर लेना है और दाल को मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। कभी लो कर सकते हैं, कभी मीडियम कर सकते हैं, बीच बीच में चलाते रहना है। बस इस दाल को हमें हल्का सा कुक करना है। तो
तो ये देखिए दाल अच्छे से फ्राई हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इसका कलर देख सकते हैं, कितनी बढ़िया सी बिल्कुल मार्केट वाली स्टफिंग बन के तैयार हुई है। ये देखिए है ना कितनी बढ़िया सी। अब इसमें मैं मिला लेती हूँ अमचूर पाउडर लगभग आधा चम्मच के आसपास। अमचूर पाउडर पहले नहीं मिलाना है क्योंकि अगर हम पहले मिला लेते हैं ना तो क्या होगा कि दाल जो है हमारी कच्ची रहेगी, पकेगी नहीं, क्योंकि खट्टापन होता है तो खट्टापन गलने नहीं देता, पकने नहीं देता है, तो इसलिए अमचूर पाउडर को लास्ट में ही डालना है। तो ये देखिए बिल्कुल स्टफिंग बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ। अब डो को चेक कर लेते हैं। डो को रखे हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं, तो ये देखिए डो और भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसे मैं मसल मसल के एक बार फिर से सॉफ्ट कर लूँगी। तो ये अच्छे तरीके से मसल मसल के सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें मैं कट लगा लेती हूँ। तो जितनी कचौड़ी बनाना चाहते हैं साइज़ की, उस हिसाब से इसमें कट लगा लेने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये लोइयां बनके तैयार हो चुकी हैं। जैसे हम चपाती के लिए लोइयां बनाते हैं उसी तरीके की साइज़ की लोइयां हमने बना लेनी हैं। अब इसमें मैं स्टफिंग भरने वाली हूँ। तो देखिए लोई को पहले जैसे हम चपाती को की तरह गोल गोल करते हैं ना, उसी तरीके से गोल गोल बना लेना है। उसके बाद हमने इसमें एक कटोरी जैसी शेप बना लेनी है। तो किनारों से इसे हमें हल्का पतला करना है और बीच में से ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो किनारों से हल्का हल्का सा पतला करते हुए ये देखिए कटोरी बन गई है। अब इसमें जो स्टफिंग है ना उसका एक चम्मच या आधा चम्मच जिस हिसाब से आप पसंद करते हैं उस हिसाब से स्टफिंग मिला सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए इसे हल्के हल्के से ऊपर से उठाते हुए इसे बंद कर लेना है। ये बिल्कुल भी खुलती नहीं है। मैं जब भी कचौड़ी बनाती हूँ मेरी कचौड़ी कभी खुलती नहीं है, तो इतना उसमें हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि ऊपर से बंद होगी या खुल तो नहीं जाएगी। आप इसे बस टाइटली सा बंद कर दें और उसके बाद आराम से इसे आप हाथों से प्रेस कर दें, उंगलियों से। ये देखिए इस तरीके से, तो बिल्कुल भी कचौड़ी खुलती नहीं है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि कचौड़ी खुल जाएगी। बस इसी तरीके से इसे ये देखिए कितनी बढ़िया सी बन गई है। ये देखिए और ऐसे ही पीछे से भी बन गई है। तो बस इसी तरीके से मैं सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं। कुछ के साइज़ मैंने बड़े रखे हैं और कुछ के छोटे हैं। अब इनको तलना है। तो तलने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिया है और तेल गर्म हो चुका है। अब एक एक करके मैं इसमें कचौड़ियाँ डालती रहूँगी। ध्यान रहे तेल धुएँदार गर्म नहीं होना चाहिए और जब आप कचौड़ियों को डालें तो आँच को मीडियम कर लें या लो कर लें, उसके बाद ही डालें। क्योंकि एकदम से अगर आप गर्म गर्म तेल में डालेंगे ना तो क्या होगा, कचौड़ी ऊपर से आपकी जलना शुरू हो जाएगी, जैसे कि आप ये देखिए इस तरीके से, और अंदर से कच्ची रहना शुरू हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, तेल को मीडियम रख लेना है। मीडियम तेल पर अगर आप इन्हें फ्राई करेंगे ना तो कचौड़ियाँ अंदर और बाहर से बिल्कुल एक जैसी कुक होंगी। तो अब ये देखिए मैंने बिल्कुल इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही कुक किया है ना, तो धीरे धीरे आँच पर कम से कम 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से कुक होंगी, अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई हो चुकी हैं। अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए कितनी खस्ता कचौड़ियाँ बनके तैयार हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इन कचौड़ियों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं आया है। ये देखिए टिश्यू पेपर के ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगा है। ये देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं आया, इतनी खस्ता कचौड़ी बनी है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं जो बड़ी साइज़ वाली कचौड़ियाँ बनाई थी ना उन्हें भी तल लूँगी। तो ये जो बड़े साइज़ वाली है ना, ये आपको जितने भी मार्केट हो गए या फिर ढाबे हो गए वहाँ पर आपको इसी तरीके की बड़े साइज़ वाली कचौड़ी नज़र आएगी। तो ये मैंने स्पेशली उसी स्टाइल की बनाई है। तो ये देखिए ये बड़े साइज़ की है ना, और बहुत ही खस्ता और कुरकुरी कचौड़ियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। आप इनकी देखिए, देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, है ना कितना आसान।
इसी तरीके से मैंने ये सारी कचौड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं। देखिए कितनी खस्ता लग रही हैं, कुरकुरी लग रही हैं। चलिए अभी एक कचौड़ी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी स्टफिंग अंदर की। ये देखिए कितनी खस्ता और अंदर से कितनी स्टफ्ड हैं ये, और बहुत ही डिलीशियस कचौड़ियाँ बनके तैयार हुई हैं। आलू की सब्ज़ी के साथ आप इसे सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो देखा फ्रेंड्स, है ना कितना आसान। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ऐसे में अगर बोर हो रहे हो ना तो बोर मत होइए, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और इस कचौड़ी की एक ख़ास बात और है ना, आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं ना सब ड्राई हैं, तो ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है। तो बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आने वाली इस रेसिपी को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।